सोलन शहर के डीएम ऑफिस में एक युवक ने खुद के ऊपर केरोसिन डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। गनीमत रही कि ऑफिस में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने युवक को तुरंत पकड़ लिया। उसके बाद युवक के केरोसिन से भीगे हुए कपड़े उतरवाकर उसे अपने कब्जे में ले लिया। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि आज एक युवक द्वारा डीएम ऑफिस में खुद पर केरोसिन डालकर आत्महत्या का प्रयास किया गया है। उन्होंने बताया कि जैसे ही वह अपने आप को आग के हवाले करने लगा तो वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए युवक को तुरंत हिरासत में ले लिया। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है कि आखिर वह आत्महत्या क्यों कर रहा था। बुलंदशहर से जिला संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। 10 महीने हो गए, मेरी गाड़ी नहीं मिल रही है। मैं गाड़ी मिल भी गई है किसी के गाँव में, तो मैं बहुत परेशान हूँ। मैं 10 महीने से परेशान है भाई। ने केरोसिन ऑयल खुद पर डालकर आग लगाने का प्रयास किया, क्या कुछ पूरी घटना थी जिसको लेकर ये युवक यहाँ पहुँचा था और किस तरह के अब निर्देश आपकी ओर से दिए गए? देखिए, एक आरिफ पुत्र खलील है, खुर्जा नगर का रहने वाला है, और इस व्यक्ति के द्वारा आज अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाला गया था कलेक्ट्रेट के अंदर। बाद में इसको बुला करके हमने इससे बात की तो इसके 2 प्रकरण हैं। इसका कहना है कि इसने एक गाड़ी बेची थी कुछ लोगों को, जिसके 50,000 रुपये बकाया हैं। बहुत दिन से परेशान है, भाग रहा था और वो पैसे वापस नहीं दे रहा है, जो बचे हुए धन है, तो इस वजह से मानसिक तनाव में था। दूसरा इसका एक और कहना है कि इसकी एक गाड़ी और थी जो 4 अप्रैल 2019 में कुछ लोगों ने इससे छीन लिया था, बाद में वो लोग उसको अपनी बना लिए। दोनों ही प्रकरणों के लिए हमने स्वाट टीम के प्रभारी को बुला के अस्थायी रूप से इस व्यक्ति के साथ कर दिया है, और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इसकी समस्या का समाधान हो जाए। यद्यपि बहुत ज़्यादा पुलिस से रिलेटेड मामला इसका नहीं है, लेन देन और विवाद का मामला है। कई बार स्थानीय थाने पर भी ये गया था और वहाँ पे इसने जांच प्रार्थना पत्र दिए थे, दोनों पक्ष संबंधित बुलवाए गए थे, लेकिन लगता है कि बहुत ही संवेदनशील तरीके से इस समस्या के समाधान का प्रयास नहीं किया गया। फलतः आज हमने पूरी स्वाट टीम को इसके साथ लगा दिया है और सारे संबंधित लोगों को ला करके इसके समस्या को समाप्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। जिस गाड़ी का जिक्र आप सर कर रहे हैं, इसका पीड़ित का स्थानीय पुलिस पर आरोप है, जो स्थानीय पुलिस उसकी ओर से कोई कार्रवाई किसी तरह की नहीं की गई? हाँ, देखिए, एक प्रकरण जो है वो लेन देन का था, उसमें पुलिस ने दोनों को बुलाया, दोनों के बीच कुछ समझौता हुआ कि हम जिससे गृह पैसा दे देंगे, फिर पैसा शायद दिया नहीं गया। और जो दूसरा मामला है उसमें दूसरे पक्ष तत्समय अप्रैल 2019 में पुलिस ने बुलवाया था, और दूसरे पक्ष का कहना था कि उन्होंने गाड़ी खरीदी है, उनके पास कुछ पेपर्स थे। तो अब हमने स्वाट टीम को लगा करके वास्तविक तथ्य क्या हैं इसकी जानकारी करने और मुझे व्यक्तिगत रूप से अवगत कराने और इसका कोई अस्थायी समाधान कराने का निर्देश दिया गया। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।